हरे कृष्णा। चलिए दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं। बॉम्बे से चेन्नई मेल पकड़कर तिरुपति के लिए मैं निकला, इस बार अकेला। हर बार तो बहुत सारे भक्तों को लेकर जाया करते थे दर्शन कराने के लिए। इस बार हमने विचार किया कि अकेले चलेंगे और जाकर थोड़ा भगवान श्री बालाजी का, वेंकटेश्वर स्वामी का दर्शन करके फिर रिटर्न आते हैं। ये सोचकर हमने चेन्नई मेल पकड़े बॉम्बे से रात को 12 बजे, और दूसरा दिन हुआ तभी दोपहर को हमने ट्रेन चेक किया तो पता लगा कि रात को 12 बजे तिरुपति पहुंचने वाले थे, यानी रेणुगुंटा स्टेशन पहुंचने वाले थे। रात को 12 बजे पहुंचेंगे, वहां से उतर के जाएंगे कहां, फिर मंदिर में भी सब सोए हुए रहेंगे। तब तक ट्रेन के सारे स्टॉपेजेस देख रहे थे मोबाइल में, तब हमने देखा कि एक स्टॉपेज था, स्टॉपेज का नाम है मंत्रालयम रोड। तो हमारे मन में बहुत ही उत्साह होने लगा कि मंत्रालयम उतर जाऊँ करके, क्योंकि मैंने पहले प्रभु जी से सुना था मंत्रालयम के बारे में, और मंत्रालयम में एक बहुत ऊँचे कोटि के संत हुए हैं और आचार्य हुए हैं इसलिए, और फिलोसोफर है, बहुत सुंदर संगीतज्ञ गायक भी हैं। हमारे मध्व संप्रदाय में यानी ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य के परंपरा में आते हुए एक आचार्य होते हैं राघवेंद्र तीर्थ, और राघवेंद्र तीर्थ का समाधि मंदिर जो है वो मंत्रालय में है, ये मैं पहले से सुना हुआ था। तो इसलिए मेरा इच्छा था कि एक्चुअली कभी एक बार जाऊँ मंत्रालय में और राघवेंद्र स्वामी का समाधि का दर्शन करूँ, उनका कृपा प्राप्त करूँ करके। और वैसे भी वहाँ पर जाने के लिए इसलिए रुचि उत्पन्न हुआ था कि मैंने एक घटना सुनी थी कि वो जो मंत्रालय जगह है, वो जो गाँव है, वो असलियत में पूरा मठ के नाम पर है। काफ़ी सालों पहले एक मुसलमान राजा ने, उन्होंने क्या किया था, पूरा के पूरा गांव को मठ के नाम पे, यानी वो राघवेंद्र स्वामी को दे रखे थे। बाद में जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ तो एक अंग्रेज अधिकारी उन्होंने आए थे तो सारे ज़मीन को फिर से अंग्रेज़ों के नाम पे, मतलब सरकार के नाम पे वापस ले जाने के लिए बट से निकाल कर। तो उन्होंने जब भी वहाँ पर आए, थोड़े धार्मिक स्वभाव के थे, तो जब भी मठ के अंदर प्रवेश किए और तो आश्चर्य की बात यह थी कि वहाँ के जो समाधि में स्थित राघवेंद्र स्वामी स्वयं समाधि से बाहर आकर, और ये अंग्रेज जो अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी, उनके साथ वार्तालाप किए और उनका अच्छी तरीके से समझाए किस प्रकार से ये मठ जो है और ये मंदिर जो है, ये असलियत में जनकल्याण के लिए ही है, लोक कल्याण के लिए ही कार्य कर रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो भी ज़मीन या जो भी प्रॉपर्टी एक्चुअली मठ के नाम पे है, मठ के नाम पे ही रहने देना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने रिक्वेस्ट किए और वो अंग्रेज सरकार के जो अधिकारी हैं वो उसको मान गए थे। और बाद में लोगों को पूछे कि कौन है जो मुझे मिले थे, और उन्होंने उनका डिस्क्राइब किया तो भी लोगों ने बताया कि एक्चुअली समाधि जिनका है राघवेंद्र स्वामी, वो स्वयं आकर आपको मिले थे। और ये बात जो है ना, वो अंग्रेज अधिकारी जो है वो सुन के बहुत आश्चर्य हो गए थे। और ये बात एक्चुअली गवर्नमेंट गेजेट में भी अभी भी लिखा हुआ है कि इस प्रकार से सरकारी अधिकारी के साथ राघवेंद्र स्वामी का वार्तालाप हुआ है करके। और ये बात मैं पहले से सुना हुआ था, इसलिए मेरा बहुत इच्छा था कि एक बार मैं जाऊं और राघवेंद्र स्वामी का वहां पर दर्शन करूं करके। तो इस बार वैसे भी समय था तो मैंने सोचा चलो कि जाके मंत्रालयम रोड में उतर जाता हूँ। तो ये सोचकर मैंने मंत्रालयम रोड में उतर गया अपना बैग लेके, और बाहर जाकर देखा शेयरिंग ऑटो था, तो मंत्रालयम चिल्ला रहे थे। तो मैंने चलो भाई शेयरिंग ऑटो में पूछता कितना रुपया लोगे, बोल रहा 50 रुपया लोगे। मैं ले रहे वहाँ, चलो अच्छा सस्ता है, कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर है वहाँ मंत्रा रेलवे स्टेशन से ये मठ जाने के लिए 15 किलोमीटर रास्ता है। तो शेयरिंग ऑटो पकड़ के हम मठ में पहुँच गए, और एक्चुअली बहुत बड़ा मठ है, और हमने मठ के अंदर रहने के लिए सोचे तो मठ के नज़दीक एक कमरा हमको मिल गया। कमरे में सामान वगैरह रखे, स्नान इत्यादि करके मठ के अंदर गए, दर्शन किए। और वैसे बहुत कुछ हो आशा किए हुए तो ऐसा कुछ था नहीं। तो वैसे समाधि हैं तो आप सोच सकते हैं कि समाधि में ऐसे कुछ ज़्यादा बहुत श्रृंगार या दिव्य श्रृंगार, बहुत अच्छा लगा श्रृंगार देख के, ऐसा तो कुछ था नहीं। असलियत में स्थान की महिमा है, और वो जो समाधि का वो महिमा है असलियत में, क्योंकि जो समाधि है ये एक अद्भुत समाधि इसलिए था क्योंकि समाधि के अंदर जो राघवेंद्र स्वामी हैं वो अभी भी जीवित है, उसको सजीव समाधि कहते हैं। ये एक ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने स्वयं ही समाधि में बैठे और अपने शिष्यों को बोले समाधि बनाने के लिए, और शिष्यों ने समाधि बनाए और आज भी वहाँ पर बैठे हुए उस समाधि में, और आने वाले लगभग और 350 साल तक जो है वो इस समाधि में रहेंगे, मतलब टोटल 700 साल समाधि में रहेंगे। एंड अभी लगभग 350 साल होने आया और 350 साल वो समाधि में रहेंगे करके ऐसा वर्णन है, कई लोगों का कहना है और ग्रंथ में वर्णन है, और खुद भी आचार्य ने इस बात को कहे हुए हैं।
तो सजीव समाधि है और समाधि के ठीक ऑपोजिट साइड में एक हनुमान जी का विग्रह है। तो हनुमान जी का मैंने प्रणाम किया, दर्शन किया, फिर समाधि का दर्शन किया, परिक्रमा किया, जपा किया वहाँ पर। और इस घटना के अलावा, ये इस जो अंग्रेज के घटना के अलावा कुछ और ज़्यादा उतना जानकारी असलियत में था नहीं, तो मैंने वहाँ पर क्या किया, ग्रंथालय में गया, कुछ ग्रंथों को चुना, वहाँ से दो तीन ग्रंथ को उठाया पढ़ने के लिए। और जो ग्रंथालय में बैठने वाले जो एक महाशय है, उन्हें हमने वार्तालाप किए और उनको पूछे, तो उन्होंने कुछ चीज़ें हमको बताई। फिर बाद में हमने बाहर गए, तब तक रात हो चुकी थी, तो 7:30-8 बज रहा था, तो हम गए वहाँ पर, प्रसाद मिल रहा था, तो थोड़ा प्रसाद वगैरह पाए और आके हम ग्रंथों को पढ़े। और स्थान के बारे में अगर बताऊँ तो बहुत ही दिव्य स्थान है और बहुत ही रमणीय स्थान है असलियत में। तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं, ठीक नदी के किनारे ही ये समाधि मंदिर है। तो मैंने सुबह उठकर नदी में गया और नदी भी बड़ा रमणीय था। आप लोग फेसबुक में मेरा फोटोज़ देखे रहेंगे, तुंगभद्रा नदी के किनारे वहाँ पर बैठे हुए थे। फिर उस दिन इवनिंग को भी फिर से तुंगभद्रा नदी के किनारे गए और वहाँ पर कुछ मछुआरों से बात किए। फिर बाद में नदी का रम्य वातावरण को हमने वहाँ पर सुख लिया और वहाँ पर सूर्यास्त का दर्शन किए, फिर मंदिर में आए। तो तब तक हमने और अधिक इच्छा जो है जागृत हुई राघवेंद्र स्वामी के प्रति और उनके राघवेंद्र स्वामी के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो हमने कुछ किताबों को पढ़े और कुछ भक्तों के मुख से एक्चुअली सुने हैं, कुछ प्रवचनों को सुने। तो मुझे ऐसा लगे कि मैं चलो मैं भी इन राघवेंद्र स्वामी के बारे में आप लोग को बताता हूँ, ताकि आप लोग को कभी समय मिले, मौका मिले, तो आप मंत्रालयम का विजिट कर सकते हैं और राघवेंद्र स्वामी का दर्शन कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। राघवेंद्र स्वामी असलियत में 700 साल तक एक्चुअली उसी समाधि में इसलिए रहेंगे कि अभी जो ये कलयुग चल रहा है, कलयुग के जो लोग हैं, हम जैसे लोगों का, सभी लोग का उद्धार करने के लिए, उनके कष्टों को दूर करने के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए असलियत में उस समाधि में आज भी स्थित हैं। और ये प्रत्यक्ष, अनेक लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है राघवेंद्र स्वामी का। समाधि में जाने के उपरांत भी अनेक लोगों का उन्होंने दर्शन दिए हैं और लोगों के कष्ट को एक्चुअली उन्होंने लाघव किए हैं, दूर किए हैं। तो इस प्रकार से राघवेंद्र स्वामी है, उनके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा सुनने के लिए और जानने के लिए प्रयास करेंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। परम भगवान के द्वारा वैष्णव सिद्धांत को प्रचार प्रसार करने के लिए 4 संप्रदाय बनाया गया है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय को इस कलयुग में प्रचार प्रसार करके आगे बढ़ाने के लिए स्वयं वायुदेव भगवान के आदेशानुसार मध्वाचार्य के रूप में प्रकट होते हैं और उनके द्वारा बताया गया जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का नाम है द्वैत सिद्धांत। उस द्वैत सिद्धांत का वे प्रचार करते हैं और शंकरा फिलोसफी या जो मायावाद है उसका वो खंडन करते हैं। श्री मध्वाचार्य लगभग 79 ईयर्स जो है इस लीला किए हैं, प्रकट लीला किए हैं इस संसार में और बहुत ही सुंदर तरीके से द्वैत सिद्धांत का प्रचार करते हुए मायावाद का खंडन किए। लगभग 1317 में श्री मध्वाचार्य जो है, श्रीपाद मध्वाचार्य, वे अंतर्धानी हुए थे। श्रीपाद मध्वाचार्य का अंतर्धान होने के लगभग 278 साल के बाद, ध्यान दीजिए, श्रीपाद मध्वाचार्य के अंतर्धान होने के 278 साल के बाद लगभग 1595 में, 1595 में तमिलनाडु के कुंभकर्णम एरिया से एक दंपत्ति, पति पत्नी, वे बालाजी आए थे वेंकटेश्वर का दर्शन करने के लिए, श्रीनिवास का दर्शन करने के लिए। प्रभु का नाम था थिमन्ना भट्ट और पत्नी का नाम था गोपीकाम्बा। थिमन्ना भट्ट और गोपीकाम्बा ये वेंकटेश्वर बालाजी का दर्शन करने के लिए आए थे, मगर मन में उनका एक बहुत ही तीव्र इच्छा था कि उनको एक पुत्र संतान की आवश्यकता थी। हालांकि थिमन्ना भट्ट और गोपीकाम्बा के पहले ही 2 संतान थे, एक लड़का था और एक लड़की थी। वेंकटाम्बा थी लड़की का नाम और लगभग गुरुराज करके उनका लड़का था। हालांकि 2 संतान होने के बावजूद भी उनको एक और पुत्र की प्राप्ति की उनका इच्छा था
और भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना करने के लिए आए थे कि एक ऐसा पुत्र चाहिए जो जनकल्याण या लोक कल्याण के लिए कार्य कर सके और उस माता पिता का भी उद्धार कर सके। इस प्रकार से एक महान भक्ति की आशा रखते हुए उन्होंने वेंकटेश्वर स्वामी का दर्शन करने के लिए, और वेंकटेश्वर स्वामी का दर्शन करते कर कर उन्होंने जब भी प्रार्थना किए तो प्रार्थना करने के बाद उस दिन रात्रि को समय स्वयं वेंकटेश्वर स्वामी उनको सपने में कहते हैं कि निश्चित रूप से आपकी इच्छा जो है वो पूरा होगा। इस बात को पति पत्नी ने एक दूसरे से शेयर किए और बहुत ही प्रसन्न होकर वो अपने गांव वापस कुंभकोणम चले गए। तो जब ये वापस गए निश्चित रूप से उनके श्री वेंकटेश्वर स्वामी की कृपा से उनके गर्भ से एक शिशु एक संतान जात हुआ और उस संतान का नाम, क्योंकि वेंकटेश्वर की कृपा से उनका संतान जात हुआ इसलिए उनका नाम उनके पिताजी ने रखा वेंकटनाथ। वेंकटनाथ बहुत ही सुशील ब्राह्मण कुल के संतान रहे और उनका वहाँ पर मध्व संप्रदाय का एक मठ रहा वहाँ पर तंजावुर में, और वहाँ पर एक आचार्य थे सुधींद्र तीर्थ करके। तो ये वेंकटनाथ के माता पिता यानी थिमन्ना भट्ट और गोपीकाम्बा वहाँ पर जाया करते थे और बच्चे का पढ़ाई प्रारंभ हुआ और बहुत ही सुंदर उनका व्रतोपनयन यानी जनेऊ संस्कार हुआ। उसके बाद उन्होंने अक्षर सीखना प्रारंभ किया। अक्षर सीखते समय ही जब भी ओम लिखना उनको सिखाया करते थे उनके पिताजी, उनके पिताजी को उन्होंने प्रश्न किया था ये ओम का अर्थ क्या है पिताश्री, तो पिताश्री उनको कहते हैं कि ओम जो है भगवान का शब्द रूप है बेटा। तो वे प्रश्न पूछते हैं कि भगवान जो सर्वत्र विद्यमान है सब जगह विस्तार रूप में है, तो इतने बड़े भगवान बृहत प्रभु कैसे ये एक छोटा सा लेटर यानी एक शब्द ओम अक्षर में वो समा सकते हैं। इस प्रकार से उनके अंदर जिज्ञासा हुआ करती थी। तो उन्होंने धीरे धीरे से व्याकरण और इत्यादि पढ़ाई करने लगे। और रही बात म्यूजिक की, उनके पूर्वजों ने उनके पिताजी यानी दादाजी वगैरह जो है वीणा वादन करने में बहुत ही एक्सपर्ट्स हुआ करते थे, तो ये स्वाभाविक ही उनके पूर्वजों की कला जो है इनमें भी आया हुआ है। तो ये भी वीणा वादन बहुत ही सुंदर किया करते थे। तभी यंग थे, एक दिन की घटना है, एक जगह बैठकर वो शास्त्रों का यानी वेद पाठ कर रहे थे, वेद अध्ययन कर रहे थे, उच्चारण कर रहे थे। तो वहाँ से एक गांव के एक व्यक्ति जो है एक ब्राह्मण ही वो वहाँ से गुजर रहे थे। तब उन्होंने देखे कि बहुत ही सुंदर सा जवान लड़का ये वेद पाठ इत्यादि बहुत ही सुंदर तरीके से कर रहे। तो उनके घर में कोई फंक्शन था तो उन्होंने इस वेंकटनाथ को ये इस यंग वेंकटनाथ को जो बहुत ही सुंदर वेद उच्चारण कर रहे थे उनको उन्होंने अपने घर में निमंत्रण दिया। तो वेंकटनाथ उनके निमंत्रण का स्वीकार करते हुए उनके घर गए उनके उत्सव में। मगर उन्होंने जाकर देखा तो उत्सव में हर व्यक्ति जो है वहाँ पर व्यस्त है, किसी को समय ही नहीं है किसी को ध्यान देने के लिए, हालांकि उनको इनवाइट तो किए हैं। तो उन्होंने एक कोने में जाकर बैठकर वो अपने वेदों को उच्चारण कर रहे थे, गुनगुना रहे थे, और उधर उत्सव भी चल रहा था। तो उत्सव में जो गेस्ट्स आते हैं, जो अतिथि आते हैं, उन अतिथियों को चंदन लगाया जाता है स्वागत के समय। हम लोग अपने मंदिरों में भी चंदन और भगवान को ऑफर किया हुआ इत्र को देते हैं ना, उसी प्रकार से। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने देखा कि अरे चंदन कौन घिसेगा, तो तब तक देखा है कि जवान ब्राह्मण वहाँ पर बैठा हुआ है और कुछ गा रहा है। तो उन्होंने जाकर बोले कि अरे तुम खाली पीली आँख कर क्यों बैठे हो, और चलो ये चंदन घिंचो और सबको गेस्ट को लगाया जाएगा। तो वेंकटनाथ क्या किए, तो उन्होंने चंदन घिसना प्रारंभ किए और बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत सारा चंदन घिस के एक प्याले में रखे और उनको दिए। तो जितने सारे गेस्ट आए उन गेस्ट को चंदन जो है शरीर में लेपन करना, उनके सर पे इत्यादि उनको लेपन किया गया, उनको लगाया गया। और जैसे ही चंदन सारे अतिथियों को लगाया गया तो सारे अतिथियों के शरीर में एक अद्भुत सा जलन होने लगा, पूरा शरीर जलने लगा। और जितने लोगों को चंदन लगाया गया सभी लोगों का शरीर जलने लगा, और इस प्रकार से असहनीय शरीर जो है वो जल रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि शरीर जल क्यों रहा है। सभी लोग बार बार स्नान करने के लिए प्रयास कर रहे थे, ठंडा पानी पीने के लिए प्रयास कर रहे थे, विभिन्न प्रकार के प्रयास किए, मगर उस शरीर का जलन जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सब लोगों को शंका हुआ कि क्या हो गया। तो सभी लोगों ने पूछा कि ये चंदन कौन कौन लगाया, उन्हीं को हो रहा है, तो चंदन कहाँ से लाया गया। तो इंक्वायरी किया गया, बुजुर्ग व्यक्ति बोले चंदन मैंने घिसने के लिए दिया था एक लड़के को, और लड़के को पूछो जाकर देखते हैं। और जिन्होंने इनवाइट किया तो उन्होंने देखते अरे अरे ये तो बहुत ही बड़े विद्वान हैं, ये वेंकटनाथ है और थिमन्नाचार्य के पुत्र हैं। और उनको जाकर पूछते हैं कि वेंकटनाथ आपने चंदन घिसा उस समय क्या हुआ, इस चंदन जिसको भी लगाते हैं उनके शरीर में बहुत जलन होता है।
और वेंकटनाथ कहने लगे, अच्छा अच्छा ओ मैं क्षमा चाहता हूँ, एक्चुअली मेरे से ही मिस्टेक हुआ है, मैंने क्या किया था, चंदन घिसते समय अग्निस्तोत्र का उच्चारण कर रहा था, अग्निस्तोत्र उच्चारण करने के वजह से स्वयं अग्निदेव का प्रकट हुआ है, भले ही चंदन बहुत शीतल होता है क्योंकि अग्निस्तोत्र उच्चारण करते हुए चंदन घिसा गया था, इसलिए उसमें अग्नि का गुण जो है वो चंदन में आ गया है, इसलिए ये जो शरीर जलन है वो अग्नि के वजह से है, और ये अग्नि का जो जलन है, ज्वाला है, वो असलियत में साधारण पानी से रुकने वाला नहीं है, और मैं ही कुछ करता हूँ करके उन्होंने फिर से चंदन घिसना प्रारंभ किया, और चंदन घिसकर उन्होंने क्या किए, इस बार वरुण स्तोत्र को उन्होंने उच्चारण किया, वरुण स्तोत्र को उच्चारण करने के बाद जो चंदन घिसकर उन्होंने दिया लोगों को, उन सभी लोगों ने चंदन को लगाया, शरीर में लेपन किए, तभी जाके उनका शरीर फिर से ठंडक पड़ा। तो इस प्रकार से ये एक अद्भुत बालक रहे हैं, एक अद्भुत ब्रह्मचारी ब्राह्मण बने हैं, जिनका जो मंत्र में बहुत ही शक्ति हुआ करता था, इतना विश्वास था उनका और उनका इतना शक्ति था उनके मंत्रों में कि उनके मंत्र उच्चारण करने मात्र से जिस उद्देश्य से उच्चारण करते थे, जिन देवताओं के लिए उन्होंने उच्चारण करते थे, वो देवता या उद्देश्य निश्चित रूप से प्रकट होते थे और फलीभूत होता था। इस प्रकार से वेंकटनाथ जो है धीरे धीरे से और बड़े होते गए। एक दिन की घटना है, वेंकटनाथ की इस बात को कानों कानों में पहुंचते हुए सुधींद्र तीर्थ जो वहाँ तंजावर मठ के मठाधीश थे उनके कान तक पहुंचा, तो उन्होंने तिम्मन्नाचार्य को या तिम्मन्न भट्ट जो है वेंकटनाथ के जो पिता है उनको बुलाए और वेंकटनाथ को बुलाए, वेंकटनाथ को कहने लगे कि हे वेंकटनाथ, असलियत में तुम्हारा वेद पाठ या वेद अध्ययन तुम्हारा अभी पूरा हुआ है, अभी तुम्हारा समय आया है कि तुम गृहस्थ जीवन को स्वीकार करो, और गृहस्थ जीवन को स्वीकार करके माता पिता का सेवा करते हुए पूर्वजों के जो ऋण है उनको भी पूरा करो, इस प्रकार से वो कहते हैं। तो गृहस्थ जीवन को स्वीकार करने के लिए तो माता पिता के आशीर्वाद लेते हुए वेंकटनाथ क्या करते हैं, सरस्वती नामक एक सुंदर कन्या से उनका विवाह हो जाता है, फिर उसके उपरांत उनके माता पिता भी वैकुंठ प्राप्ति हो जाती है, फिर सरस्वती के गर्भ से एक संतान जात होता है, उनका नाम लक्ष्मीनाथ रखते हैं, वेंकटनाथ का एक लड़का होता है बेटा, बेटा का नाम लक्ष्मीनाथ और सरस्वती। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत ही सुंदर जीवन यापन कर रहे थे, मगर उनके जो पारिवारिक जीवन जितना दिन उन्होंने रहे हैं उतने दिन में बहुत ही दारिद्र्यता का उनको सामना करना पड़ा, बहुत ही गरीबी का सामना करना पड़ा, और खाने पीने का भी बहुत ही मुश्किल से ही उनको कुछ मिला करता था। इन्होंने वेद अध्ययन में शास्त्र अध्ययन में ज़्यादा रुचि लिया करते थे, कुंभकर्ण इत्यादि में रहा करते थे, और दरिद्रता का सीमा पार हो चुका था, चरम सीमा पहुंच गए थे। तो यहाँ तक कि एक दिन की बात है कि रात्रि के समय चोर घुसकर उनके घर में जो बर्तने इत्यादि भी थे छोटे मोटे वो सब भी उठा लिए, तोड़ दिए, लेकर चले गए, और सुनकर आश्चर्य होगा कि उनके वाइफ के पास एक ही मात्र कपड़ा हुआ करता था, और जब वे स्नान करते थे कभी कभी क्या करते थे, वो उसको धोते थे तो एक आधा पहनकर आधा सुखाते थे और आधा सूखने के बाद वो बाजू पहनकर ये बाजू को सुखाते थे, इस प्रकार उनको पहनना पड़ता था, इतना कठिनाई से उनका जीवन यापन चल रहा था। तो जो चोरों का इस प्रकार सरकत के बाद उनके पत्नी ने उनको कहने लगी कि क्यों ना हम तंजावर जाते हैं गुरुजी के पास और उनको जाकर वहाँ पर मिलते हैं, उनको बताते हैं। यह सुनकर वेंकटनाथ क्या किए, पत्नी को और बच्चे को लेकर वो तंजावर जाते हैं और वहाँ पर गुरुजी से मिलते हैं, सुधींद्र तीर्थ से मिलने के बाद उसके बाद उनका जो जीवन है वो फिर परिवर्तन हो जाता है, कि दूसरा चैप्टर मान लो शुरू हो जाता है, वो धीरे धीरे से और ज़्यादा फेमस होने लगते हैं, प्रख्यात होने लगते हैं, उनके जो वाक चतुरता है, उनके जो फिलॉसफी है, और विशेष रूप से जो व्याकरण है, वेदों का जो ज्ञान है वो प्रचलित होने लगता है सभी लोगों में, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े व्याकरण पंडित जो है वहाँ पर आते हैं मठ में, वो वाद विवाद करने के लिए, सभी वादों में ये वेंकटनाथ क्या करते हैं, वो विजय प्राप्त करते थे और सभी वादी राजों को जो है वो परास्त कर लेते थे।
जो बड़े बड़े विद्वानों को भी परास्त करते थे। इससे सुधींद्र तीर्थ उनके गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। एक दिन की घटना है कि उनके मठ में एक भगवान श्री रामचंद्र के विग्रह है, वो विग्रह का नाम है मूल राम करके। और वो विग्रह का घटना हम बाद में बताएंगे आपको। असलियत में संसार का सबसे पहला भगवान श्री रामचंद्र का विग्रह जो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया था असलियत, और ब्रह्मा जी के द्वारा उपासना किया गया था, वो विग्रह अभी भी है मंत्रालय में। वो पहले वो वहाँ पर वो सुधींद्र तीर्थ उनके गुरु के पास था। तो एक दिन सपने में स्वयं भगवान श्री राम प्रकट होके सुधींद्र तीर्थ को कहते हैं, असलियत में ये जो मठ है उस मठ को देख रेख करने का क्षमता या योग्यता जो है अभी राघवेंद्र स्वामी के पास आ चुका है। तो अभी राघवेंद्र स्वामी को मठाधीश के रूप में उनको अभिषेक कर लो और जो है आप तीर्थ यात्रा में चले जाओ। इस प्रकार से स्वयं भगवान राम आकर सुधींद्र तीर्थ को कहते हैं। जब सुधींद्र तीर्थ को भगवान श्री राम ने आदेश दिए वेंकटनाथ को मठाधीश बनाने के लिए और उनको संन्यास देने के लिए, सुधींद्र तीर्थ वेंकटनाथ को बुलाए और उनको इस बात को बताए कि स्वयं भगवान जी का आदेश है कि तुम्हें संन्यास लेना चाहिए लोक कल्याण के लिए और लोगों के उद्धार के लिए वैष्णव फिलॉसफी का यानी मध्वाचार्य के जो द्वैत सिद्धांत को प्रचार प्रसार में लगना चाहिए। इस बात को सुनकर वेंकटनाथ विचार करने लगे, क्योंकि उनका एक पत्नी और एक छोटा सा बच्चा भी था। उन्होंने काफ़ी सोचने लगे उसके ऊपर। यह बात उनके पत्नी को बताया कि गुरु जी ने इस प्रकार हमको आदेश दिए हैं, गुरु के आदेशों को तो मानना नहीं किया जा सकता है। पत्नी अत्यंत दुखी हो गई कि इतना जल्दी संन्यास ले लेना और एक छोटा सा संतान है, फिर उनका कैसे देख रेख होगा इत्यादि सोच कर कुछ दिन और रुके। और उनके जो संतान था तो उनको उन्होंने जनेऊ संस्कार करवा दिया। संतान का जनेऊ संस्कार करवाने के बाद एक दिन स्वयं देवी सरस्वती तो वे वेंकटनाथ के सपने में आकर कहने लगी कि आपका संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि आपका जन्म ही उसी के लिए हुआ है, वैष्णव सिद्धांत का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इस बात को सुनकर वेंकटनाथ और दृढ़ निश्चय हो गए। एक दिन सुबह सुबह पत्नी को उठने से पहले ही उन्होंने सुबह उठे और गृह छोड़कर उन्होंने अपने गुरु के मठ में सुधींद्र तीर्थ के पास चले गए। वहाँ पर तंजावुर में सुधींद्र तीर्थ वेंकटनाथ को वहाँ पर संन्यास दिए और संन्यास सेरेमनी के साथ साथ वेंकटनाथ का नाम वेंकटनाथ से बदलकर श्री राघवेंद्र तीर्थ नाम पड़ा। तो आज से वेंकटनाथ राघवेंद्र तीर्थ के नाम पे जाने जाएंगे और राघवेंद्र तीर्थ के नाम पे ही और राघवेंद्र स्वामी के नाम पे ही वो प्रचलित होंगे। तो हम आगे जो कथा सुनेंगे हम राघवेंद्र तीर्थ या राघवेंद्र स्वामी करके हम उनके कथाओं को सुनेंगे। तो अभी राघवेंद्र तीर्थ सन्यासी हो गए और घर में उनकी पत्नी और छोटा सा बच्चा। पत्नी पति के विरह को सहन नहीं कर पाई और बच्चे को उनके बुआ के घर पे छोड़कर वो खुद पति का दर्शन करने की इच्छा से घर से निकल के आ तो गई, मगर वो सोचने लगी अभी वो संन्यास ले चुके हैं तो उनसे कैसे मिलेगी। यह सोचकर वो एक जगह पानी में कूद कर आत्महत्या कर ली। तो एक दिन की घटना है, राघवेंद्र तीर्थ बैठकर कई सारे शिष्यों को भक्तों को उन्होंने प्रवचन दे रहे थे और उस समय अचानक एक अजीब सा और भयंकर सा आवाज़ आने लगा। सभी लोगों ने आकाश की ओर देखने लगे और राघवेंद्र तीर्थ भी देखे। तो तभी उन्होंने एक प्रेतात्मा को वहाँ पर देखा और राघवेंद्र तीर्थ समझ गए ये प्रेतात्मा कोई और नहीं है, स्वयं उनके पूर्वाश्रम में उनके पत्नी की रूप में जो सेवा कर रही थी वही अभी प्रेतात्मा बनकर यहाँ पर आई हुई है। तो राघवेंद्र स्वामी क्या किए, हाथ में थोड़ा सा जल लिए और कमंडल से जल लेकर उनको मंत्र उच्चारण करके उस प्रेतात्मा के ऊपर जो है वो जल को उन्होंने छिड़का। तो तभी जो है प्रेतात्मा जो है उनका भूत जीवनी से उनके पूर्वाश्रम की जो
उनकी पत्नी है, उनका उद्धार हो गया। इस प्रकार से राघवेंद्र स्वामी अभी सन्यासी बने और धीरे धीरे से उनका प्रख्याति जो है, उनका ख्याति जो है वो बढ़ने लगा। बहुत दूर दूर तक जो है लोग उनसे मिलने आया करते थे, विद्वान आया करते थे, शिष्य आया करते थे उनसे सीखने के लिए, सिद्धांतों को सीखने के लिए, व्याकरण सीखने के लिए कई लोग उनके शिष्य बन रहे थे। तो ये सन्यासी बनने के बाद क्या किए, उन्होंने भ्रमण करना वहाँ से प्रारंभ किए। उन्होंने सबसे पहले असलियत में उस एरिया में एक राजा हुआ करते थे, विजय राघव नायक करके एक राजा थे। ये राजा असलियत में एक नास्तिक स्वभाव के थे, साधु संतों को और भगवान को ज़्यादा विश्वास नहीं रखा करते थे और उनका दुश्मनी जो है इर्द गिर्द के अड़ोस पड़ोस के सभी राज्यों के ऊपर उनका दुश्मनी था। तो सभी राज्यों ने एक साथ अटैक करके उनको परास्त कर दिए, उनको राज्य को लूट लिए और अनावृष्टि हो गई, लोगों को ठीक से खाना बाना भी नहीं मिला। इस प्रकार की परिस्थिति से राजा एकदम से बहुत ही तनाव में आ चुके थे और साथ साथ में राज्य से नागरिक जो है राज्य छोड़ के जा रहे थे। इस बात को सुनकर राजा बहुत ही चिंतित हुए और वहाँ के ब्राह्मणों को उन्होंने पूछने लगे कि क्या करना चाहिए मुझे। ब्राह्मणों ने उनको सलाह दिया, राघवेंद्र स्वामी बहुत ही ऊँचे कोटि के संत हैं और उनको अगर हमारे राज्य में अगर उनको इनवाइट किया जाए और उनका सेवा किया जाए हमारे राज दरबार में, और वो उनके पास मंत्र शक्ति है और मंत्रों के द्वारा वो जो है हमारे इस प्रकार की परिस्थिति को परिवर्तन कर सकते, समस्या का हल जो है वो कर सकते हैं। ये बात को सुनकर भले ही नास्तिक था राजा, वे जाकर राघवेंद्र स्वामी को उन्होंने अपने राज्य में इन्वाइट किए और उनकी सेवा किए, उनको निवेदन किए और अपने राज्य की समस्याओं के बारे में उन्हें बताए। तो राज्य की समस्याओं के बारे में सुनकर राघवेंद्र स्वामी जो है वो जो मूल राम जो उनके उनके गुरु से उनको जो प्राप्त हुआ था विग्रह, भगवान श्री रामचंद्र का जो विग्रह है, मूल राम विग्रह जो आदि विग्रह है, भगवान श्री रामचंद्र के अवतार होने से पहले जो विग्रह बना हुआ था, वो विग्रह जो ब्रह्मा जी के द्वारा सेवा किया गया विग्रह था, वो विग्रह को वो लेकर आए हुए थे और उनके विग्रह को रख कर वहाँ पर विग्रह का उपासना किए, भगवान श्री राम की प्रसन्नता के लिए वहाँ पर प्रार्थना किए, सेवा पूजा किए, आराधना किए और भगवान राम की कृपा से और राघवेंद्र स्वामी के भक्ति और मंत्र बल से उस राज्य में पानी की वर्षा के जगह सीधा अनाज की वर्षा होने लगी। विचार करो, अनाज की वर्षा हुई तो सारे राज्यवासी जो है बहुत ही प्रफुल्लित हो गए और गोनी में भर भर के अनाज जो है अपने घरों में ढेर लगाने लगे। इस दृश्य को देखकर राजा बहुत ही कृतकृत्य हो गया और वो साधु संतों के प्रति, भगवान के प्रति उसका अटूट श्रद्धा भी बढ़ गया और राघवेंद्र स्वामी को आके प्रणाम किया, क्षमा प्रार्थना किया। वो अपने जीवन भर में बहुत ही गलतियाँ किया, उसको स्वीकार किया और उन्होंने राघवेंद्र स्वामी को कहने लगा कि प्रभु मैं आपको क्या गिफ्ट के रूप में प्रदान करूं जिससे आप प्रसन्न हो सकते हैं। राघवेंद्र स्वामी तो एक वैरागी सन्यासी रहे हैं, उन्होंने कहे कि हम सन्यासी हैं और हमको किसी भी प्रकार की गिफ्ट यानी तोहफे की आवश्यकता नहीं है और हम लेते भी नहीं हैं। मगर फिर भी राजा बहुत ही निवेदन किए और राजा के पास एक बहुत ही कीमती हार, सोने का और बहुत सारे हीरे मणियाँ इत्यादि लगा हुआ था, उस हार था बहुत बहुत कीमती था राज दरबार में। उस हार को जो है वो राघवेंद्र स्वामी को उन्होंने भेंट दिया, तो भी भेंट के रूप में जब दिए, राघवेंद्र स्वामी उसको स्वीकार किए और चले गए और जाने के बाद उन्होंने यज्ञ करके वो हार को जो है यज्ञ में आहुति दे दिए। तो ये खबर फैल गई फिर से, राजा ने जो हार लिए थे, राजा से जो हार लिए हुए थे राघवेंद्र स्वामी, उन्होंने उसको यज्ञ में आहुति दे दी। ये राजा को थोड़ा सा उठपटांग लगा। राजा ने सोचा कि अरे इतना कीमती हार, उससे कीमती वस्तु मेरे पास कुछ था ही नहीं, इतना कीमती है वो और मैंने प्रसन्न होकर अगर इन्हें दिया, वैरागी हैं, पहने तो नहीं, किसी और को दिए भी नहीं और उसको आग में डाल दिए, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। राजा बहुत सोच के बोले कि एक बार मैं पूछता हूँ जाके क्यों, और वैसे तो पूछ नहीं पाए। वो जाकर राघवेंद्र स्वामी से बोलते हैं कि स्वामी जी हमने जो आपको एक हार दिए थे और हम चाहते हैं कि वैसा एक रिप्लिका उसका डुप्लीकेट बना के रखेंगे, एक बार आप वो हार देंगे क्या, हम उसका एक और एक सेट बना लेते हैं उस प्रकार का, फिर आपको देंगे ऐसा। इस बात को सुन के राघवेंद्र स्वामी मुस्कुराते हैं और वहाँ पर फिर से यज्ञ हवन करते हैं और परशुराम मंत्र के द्वारा हवन वहाँ पर आह्वान करते हैं और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से आग जलने लगता है यज्ञ अग्नि,
और उस यज्ञ अग्नि के अंदर अपने हाथ डालकर राघवेंद्र स्वामी ने जो हार को उन्होंने डाला था उस हार को निकाल के फिर राजा को उन्होंने वापस किए, और राजा देखकर बहुत आश्चर्य होकर फिर पैरों में दंडवत प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करते हैं। राघवेंद्र स्वामी राजा को कहते हैं कि दान के बारे में, विभिन्न प्रकार के सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी के दान के बारे में कहते हैं। उन्होंने ये बात को भी कहते हैं कि एक बार व्यक्ति अगर किसी भी वस्तु को परित्याग करते हैं, विशेष रूप से अगर वो दान में देते हैं किसी को, उस वस्तु के बारे में उन्हें स्वप्न में भी कभी विचार नहीं करना चाहिए। वो अगर एक बार दान में दे दिए कोई वस्तु तो दिया हुआ व्यक्ति का वस्तु हो गया और अभी अपना नहीं रहा है, इसलिए वो दिया हुआ वस्तु वो व्यक्ति उसको तोड़े फोड़े बेचे कुछ भी करे वो उसका काम है। हम दिया हुआ वस्तु के बारे में फिर से विचार जो है मन में नहीं आना चाहिए और उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से राघवेंद्र स्वामी ने कई बातें, जब तिरुनल वेल्ली में जाते हैं वहाँ पर एक बहुत सारे जो पंडित थे, ब्राह्मण थे, विद्वान थे, सभी लोग आकर राघवेंद्र स्वामी का स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका अतिथि सत्कार करते हैं। राघवेंद्र स्वामी वहाँ पर अपने मूल राम के द्वारा भ्रमण कर रहे थे, तो एक बार वहीं तिरुनल वेल्ली में एक व्यक्ति आकर मिलते हैं राघवेंद्र स्वामी से और रोते हुए वो अपना दुख सुनाते हैं कि मैं एक शूद्र जाति का हूँ, नीच जाति का हूँ, तो नीच कुल में जन्म होने के नाते मुझे वेद अध्ययन और शास्त्रों के अध्ययन करने का योग्यता प्राप्त नहीं है और ब्राह्मणों के द्वारा मैं बहिष्कृत हूँ, मगर मेरा बहुत इच्छा है कि शास्त्रों को जानने का, शास्त्रों के द्वारा भगवान को जानने का, वेद अध्ययन करने का बहुत इच्छा है। इस प्रकार की इच्छा को उन्होंने व्यक्त किए और उन्हें निवेदन करने लगे कि अपने को उनको शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए। तो इस बात को सुन के राघवेंद्र स्वामी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आप स्नान इत्यादि करके आओ। स्नान इत्यादि करके आने के बाद राघवेंद्र स्वामी ने उस व्यक्ति को उन्होंने दीक्षा प्रदान किया, मंत्र दीक्षा प्रदान किया। राघवेंद्र स्वामी को प्रार्थना करते हुए, राघवेंद्र स्वामी को साक्षी रखते हुए, राघवेंद्र स्वामी ने भगवान श्री रामचंद्र के मूल विग्रह, जो मूल राम को साक्षी रखते हुए उन्होंने उनको दीक्षा प्रदान किया, उनको चरणामृत प्रदान किए भगवान श्री राम के, और मंत्र उनको प्रदान करने के बाद वो कहने लगे अभी तुम योग्य बन चुके हो शास्त्रों को समझने के लिए और वेद अध्ययन करने के लिए, अभी आप पढ़ सकते हो। इस बात को जैसे ही तिरुनल वेल्ली के और अलग दूसरे ब्राह्मणों ने सुना, विद्वानों ने सुना, सब जगह जो है हाहाकार मच गया, सब लोग जो है चिढ़ गए, सब लोगों ने सोचे कि भले ही राघवेंद्र स्वामी कितने भी बड़े सिद्ध पुरुष हो, मगर उनको शास्त्रों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में यह कथन है कि कोई शूद्र व्यक्ति है, ब्राह्मण कुल के नहीं है, तो उसको वेद अध्ययन करने का, शास्त्र वेद अध्ययन करने का, वेद पाठ करने का कोई अधिकार नहीं है, ये अपचार है और इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। इस बात को जो है सभी लोगों ने कहने लगे और राघवेंद्र स्वामी के पास जिन लोगों ने आके उनको सत्कार किया करते थे, जिन लोगों ने आके उनको सम्मान दिए रहे थे, वही लोग आकर अभी राघवेंद्र स्वामी को कह रहे हैं कि आपने ये गलत किया है करके। राघवेंद्र स्वामी उनको समझाते हैं कि मंत्र दीक्षा के द्वारा व्यक्ति जो है वो योग्य बन जाता है, गुरु और मंत्र कृपा से वो योग्य बन जाता है वेद अध्ययन करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए, ये कई शास्त्रों का भी इसका प्रमाण है। मगर वो लोग इस बात को माने नहीं, वो कहने लगे कि मंत्र में क्या इतना शक्ति है, हालांकि वो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को मंत्र के ऊपर, वेदों के ऊपर विश्वास और शक्ति के बारे में विश्वास होना चाहिए, मगर वो सभी लोग औपचारिकता के रूप में वेद अध्ययन किया करते थे और राघवेंद्र स्वामी जो है वो उसको आत्मसात किए हुए थे, उस वैदिक ज्ञान को, शास्त्रों के कथनों को। इसलिए राघवेंद्र स्वामी कहते हैं कि अगर एक बार मंत्र दीक्षा किसी को प्रदान की जाती है तो निश्चित रूप से उसको ज्ञान प्रकट हो जाता है और जात पात से योग्यता नहीं होती है, व्यक्ति के कर्म से होता है असलियत में। तो देखिए, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, इस प्रकार से अनेकों उदाहरण राघवेंद्र स्वामी देते हैं, मगर वहाँ के ब्राह्मण उसको मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक इसी प्रकार से घटना हमारे संस्था में संस्थापक आचार्य के साथ भी हुआ था। हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनापति संघ इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी ने भी जब विदेश यात्रा में थे प्रचार करने के लिए, उस समय जो विदेश के लोग हैं जिनको म्लेच्छ कहते हैं, म्लेच्छ वो लोग होते हैं
जो शूद्र से भी और निम्न जाति के होते हैं, और निम्न कोटि के होते हैं शूद्र से भी, ऐसे शूद्रों को उन्होंने यहाँ तक कि गायत्री मंत्र का भी दीक्षा प्रदान करते, गायत्री मंत्र को जप करने की योग्यता को उन्होंने उनको प्रदान किया और गुरु बनने का योग्यता को भी उन्होंने प्रदान किए, श्री विग्रह को उपासना करने की योग्यता को उन्होंने प्रदान किया। इस प्रकार के कार्य को देखकर भारत में कई ब्राह्मण, कई आचार्य, कई संत जो है श्रील प्रभुपाद जी का विरोध किए थे, श्रील प्रभुपाद जी का श्रील प्रभुपाद जी के विरोध में बोलने लगे थे, खंडन किए थे उनके कार्य को कि ये शास्त्रों के विरुद्ध है, मिलेच्छों को ये अधिकार नहीं है, इस प्रकार से जो है शास्त्र विरुद्ध कार्य जो है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी किए हैं करके इस प्रकार कह रहे थे। मगर इन आचार्यों के पास वो शक्ति होती है कि वर्तमान समय, स्थान, काल, पात्र के अनुसार किस प्रकार से शास्त्र के सिद्धांतों को तोड़े बिना वो शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से राघवेंद्र स्वामी ने उनको बताया, पंचरात्र के अनुसार और अनेकों ग्रंथों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार उनको प्रमाण दिए कि एक शूद्र होने पर भी अगर उनको गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त होता है तो उसके पास सारा ज्ञान जो है वो प्राप्त करने का और वेद अध्ययन इत्यादि करने का योग्यता को प्राप्त कर सकता है करके। तो उन लोगों ने विश्वास नहीं किए, मगर उन लोगों ने एक शर्त रखा। तो एक जन, एक ब्राह्मण ने उसमें हंसते हुए कहने लगा, ओहो आप ऐसे बातें कर रहे हैं कि मान लीजिए जो रसोईया, रसोई घर में किचन में रसोई करते समय जिस कपड़े के द्वारा बर्तनों को उतारा जाता है, बर्तनों को पकड़ा जाता है, वो बहुत गंदा हुआ रहता है, क्योंकि पहले कुकिंग जो है वो तो चूल्हे से होता था ना, तो उसमें बहुत धुआं काला सब उसमें रहा करता था, तो किचन का जो कपड़ा होता था जिससे बर्तन पकड़ के उतारते तो बहुत गंदा, बहुत काला हुआ रहता है। तो ब्राह्मण ने मजाक में बोल दिया कि आप ऐसे बातें कर रहे हैं कि मान लीजिए किचन का जो गंदा कपड़ा है और उसको मंत्र का पानी, मंत्र कहकर अगर आप पानी छिड़क देंगे तो वो साफ़ हो जाएगा, ठीक वैसे गंदा कपड़ा के जैसा शूद्र हैं ये कभी भी साफ़ नहीं हो सकता है मंत्र के द्वारा, जिस प्रकार से कपड़ा साफ़ नहीं हो सकता है। राघवेंद्र स्वामी कहने लगे, तो आपका कहना है अगर मंत्र के द्वारा वो किचन का गंदा कपड़ा अगर साफ़ हो जाता है तो आप विश्वास करेंगे कि ये भी ठीक हो गया रहेगा, यानी इसका भी स्तर बदल गया रहेगा करके। तो सब लोग एक दूसरे को देखने लगे और वो कहने लगे, हाँ ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपने मंत्रों के द्वारा एक किचन के गंदे कपड़े को साफ कर देंगे तो फिर हम मान लेंगे इस बात को। तो एक गंदा, एकदम से बहुत ही बदबूदार गंदे कपड़े को उनको प्रदान किया गया और राघवेंद्र स्वामी क्या किए, भगवान श्री राम को प्रार्थना करते हुए भगवान श्री राम का चरणामृत लिए और चरणाभिषेक को पानी को लेकर वो मंत्रों को उच्चारण करते हुए उन्होंने उस कपड़े के ऊपर उस पानी को छिड़का। तो जब भी पानी को छिड़का तो कपड़ा बहुत ही सुंदर नया वस्त्र के रूप में परिवर्तन हो गया। इस बात को देखकर तिरुनलवली के सारे ब्राह्मण जो है आश्चर्यचकित हो गए और सभी लोगों ने क्या किया, वो आश्चर्यजनित होकर राघवेंद्र स्वामी को उन्होंने दंडवत प्रणाम किए, क्षमा प्रार्थना किए और उनका ग्लोरी और बढ़ने लगा। सभी लोग उनको बहुत मानने लगे, बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण आकर भी उनके शिष्यत्व को स्वीकार करते हुए स्वामी जी फिर वहाँ से क्या किए और आगे जाते हुए अभी वो जाकर पहुँचते हैं उडुपी।